Why is the Chuck Berry wearing the blue? Hey. Why is the Chuck Berry wearing the blue dress? Because St. Louis team ice hockey में पहली बार St. Louis ने cup जीता Stanley Cup. अच्छा लेकिन चक बेरी के बारे में पहले बताना ज़रूरी है कि हम लोग एकदम इसके पास में रहते हैं, इसके पास हमारा घर है. चक बेरी बहुत बड़ा, मतलब समझिए वो इतना बड़ा नाम है म्यूज़िक का, जिस उनको रॉक एंड रोल, फादर ऑफ रॉक एंड रोल भी बोला जाता है. वो सेंट लुइस के ही थे, तो समझिए कि एक स्तर पर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नाम है टी एस एलियट के बाद ये सेंट लुइस के. एकदम मीनाक्षी, इधर कैमरा साइड में करना, ब्लूबेरी कैफ़े की तरफ, ठीक सामने इस मूर्ति के ठीक सामने ब्लूबेरी कैफ़े है, ये ब्लू वाला. और चक बेरी यहीं पे अपना गिटार लेके और गाना गाया करते थे. और उनके गानों की ये खासियत थी, जो लिरिक्स होते थे उसकी, कि कंज्यूमरिज्म पे यानी उपभोक्तावाद पे बहुत उनके लिरिक्स हैं. तो वो उसने एक बहुत अलग सा ट्रेडिशन पूरी दुनिया में स्थापित किया कि हम आगे आएंगे तभी आवाज़ आएगी. कि आप जो महसूस करते हैं, जो आप देखते हैं जीवन में, उस पर ही कविताएँ लिखी जाएँ, रादर देन की नेचर पे. और मतलब जो अच्छी चीज़ें उस पर तो सब लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो हम जी रहे हैं, जो हमको दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन पे हम कविताएं लिखेंगे. तो इसलिए चक बेरी. अच्छा, चक बेरी की मृत्यु अभी हुई है 2017-18 मार्च. और ये ब्लू वाला जो है, ये ड्रेस उन्होंने पहना है, ये अभी पहले मैंने बताया कि जो सेंट लुइस की टीम है, उन्होंने पहली बार आइस हॉकी जीता है स्टैनले कप. कल बहुत बड़ा एक परेड है डाउन टाउन में. Which is being, I mean, it is expected to be attended by hundreds of, no, a thousand. पहली बार यार एक शहर पहली बार एक कप जीता, तो यहाँ के लिए वर्ल्ड कप जैसा समझ लो. बड़ी बात है उनके लिए. लेकिन Chuck Berry. You want to stand on the side of Chuck Berry just to give a view of you and both in blues. वैसे ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ सबसे ज़्यादा लोग तस्वीर खिंचवाते हैं सेंट लुइस में.